नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरवा बोहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डॉक्टर अरवा बोहरा पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैबरेंडी क्यू के बारे में। जैबरेंडी क्यू मतलब जैबरेंडी मदर टिंचर को लेकर मुझसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल हैं, उन 5 सवालों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है अपने कमेंट सेक्शन में से, अपने व्हाट्सएप की क्वेरीज में से और थ्रू ईमेल, बिकॉज आई डोंट कम इन लाइव सेशन। सो मैंने सोचा उन क्वेश्चन के आंसर मैं इस तरीके से एक वीडियो अपलोड करके दे देती हूँ। सो आई होप कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके लिख लिए हैं, जो एक एक करके मैं आपको उसके आंसर्स दूंगी, जिसमें आपको जैबरेंडी मदर टिंचर के बेनिफिट्स के बारे में भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग जैबरेंडी मदर टिंचर, कि वो हेयर फॉल में क्या काम करती है, किस तरीके से उसका एक्शन है, आपको कैसे यूज करना है, तो इन सब के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जैबरेंडी यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के आपके सारे कॉमेंट्स में से जो मोस्ट रिपीटेडली आस्क किए हुए क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट किया है कि आपके सारे क्वेरीज हैं जो उनके जवाब आपको मिल जाए। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। आप जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे सो यू गेट अ श्योरिटी दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरे वीडियो के बारे में अपडेटेड रहने के लिए और चैनल की पोस्ट के रिगार्डिंग अपडेटेड रहने के लिए आप उस बेल आइकन को हिट करें सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद। सो व्यूअर्स, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर्स, ब्यूटीफुल हेयर्स हर किसी की चाहत होती है, हर किसी की हसरत होती है कि हमारे जो बाल हैं वो खूबसूरत हों, झड़े नहीं, उनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो। हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाल्डनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसके लिए मैं जो वीडियोस हैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिससे पेशेंट सेटिस्फाइड होते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं अपने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। बट कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिनको मैं आंसर कर रही हूँ इस वीडियो में। सो जैबरेंडी को लेकर, सो जो पहला क्वेश्चन है कि जैबरेंडी ऐसा क्या है जिसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और जैबरेंडी मेडिसिन लगाने के लिए और ओरली लेने के लिए बोलते हैं फॉर हेयर फॉल। सो जैबरेंडी मदर टिंचर यूजुअली यूज किया जाता है इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट हेयर फॉल, हेयर लॉस, बाल्डनेस, वीक हेयर, डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, इन सारी समस्याओं के लिए हम जैबरेंडी मदर टिंचर को यूज करने के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट को और उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो जैबरेंडी एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है, एक हर्ब से इस दवाई को बनाया जाता है थ्रू पोटेंटाइजेशन, इसकी पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हर्ब को यूज करके मदर टिंचर को प्रिपेयर करते हैं हम। जैबरेंडी मदर टिंचर आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, जो हम सजेस्ट करते हैं यूज करने के लिए। मेरे पास ये जैबरेंडी मदर टिंचर है इस टाइम न्यू लाइफ कंपनी का 450 ml क्वांटिटी पैकेजिंग, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लास्ट है। किसी एक पेशेंट को मैं ये 10 ml दे सकती हूँ, बस इतना बचा हुआ है, और जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है वो SBL कंपनी का है। सो आप SBL, न्यू लाइफ, डॉक्टर रैगवेग और WSI, श्वाबे, किसी भी कंपनी का SBL ये जो जैबरेंडी मदर टिंचर है इसे परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो मेडिसिन है ये लिक्विड फॉर्म में होती है और इसका जो बेस है वो अल्कोहलिक बेस है। इस मेडिसिन को हम लगाने के लिए भी यूज करते हैं और ओरली भी देते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई वॉज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, कि जैबरेंडी क्यू को पीना है या जैबरेंडी क्यू को लगाना है। बहुत सारे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं जैबरेंडी क्यू को ओरली लेने के लिए
और कुछ डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं सिर्फ इसको लगाने के लिए। तो अगर हम जैबरंडी क्यू को लोकली अप्लाई करने के साथ साथ अगर इंटरनली लेते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। जैबरंडी मदर टिंचर को आपको लेना कैसे होता है, तो यूजुअली जो जनरल प्रिस्क्रिप्शन होता है अडल्ट के लिए फॉर हेयर फॉल एंड स्कैल्प प्रॉब्लम्स, 20 ड्रॉप्स आपको हाफ कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार लेना होता है। और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाए आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर दें। इस तरीके से जैबरंडी क्यू को आपको लेना है और लगाना है। तो आप इसे ओरली ले भी सकते हैं, अगर किसी डॉक्टर ने आपने प्रिस्क्राइब किया है आपको, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैबरंडी क्यू ओरली लेने के लिए भी यूज़ की जाती है और साथ में लोकल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर थर्ड क्वेश्चन कि जैबरंडी बालों की हर समस्या का एक समाधान है या सिर्फ ये बालों के झड़ने को रोकता है। सो जैबरंडी क्यू के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये बालों के झड़ने को ऑब्वियसली रोकता है। वो किस तरीके से रोकता है कि जो हमारे हेयर रूट्स हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, जिससे जब आप बालों को धोते हैं बालों को कोम करते हैं तो वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो टूट के गिरते नहीं हैं। इसके साथ साथ अगर आपको स्कैल्प कोई फंगल इरप्शन है, इची इरप्शन है, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, तो उसमें जब आप जैबरंडी को अप्लाई करेंगे तो ये उसको हील करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से होने वाले हेयर फॉल है उसको रोकता है, बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ में बालों का जो नेचुरल शाइन है उसको वापस लाने में हेल्प करता है। अगर आपको बाल्डनेस हो गई है, मतलब गंजापन है, किसी भी किस्म का एलोपेशिया एरेटा है, मेल पैटर्न बाल्डनेस है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, किसी पर्टिकुलर एरिया के बाल आपके जा चुके हैं, झड़ गए, हेरिडिटी बाल्डनेस है अगर पेरेंट्स को है और सेम उसी शेप में और उसी जगह के बाल आपके जा रहे हैं, तो ऐसी सारी कंडीशंस में आप जैबरंडी को यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ये डेफिनेटली बालों को जो आपके बालों का झड़ना है उसको रोकेगा और साथ में आपके बालों को जो है वो मजबूत बनाएगा और खूबसूरत बनाएगा। जैबरंडी मदर टिंचर आपको बालों के झड़ने के लिए सेम यूज़ करना है, कोकोनट ऑयल के साथ आपको लगाना है। मेरे दूसरे वीडियोस में ये डिटेल में मैंने बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट अप कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जैबरंडी से गए हुए बाल वापस आ सकते हैं या नहीं। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी इस बात का आंसर किया है कि बिल्कुल जैबरंडी से बाल वापस आ सकते हैं, बट डिपेंड्स, अगर आपको साथ में कोई सिस्टेमिक इलनेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हमको साथ में उसको कॉज को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैबरंडी एक जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट अगर आपको कोई अंडरलाइन कॉज है जैसे कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, अगर आप डाइट अच्छे से नहीं लेते हैं, भूख नहीं लगती है, अगर आप खाना ले रहे हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, माल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ ये तो हुई डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपको थायराइड प्रोफाइल इम्बैलेंस है, या फिर एनीमिक है आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं खून की कमी की वजह से, या फिर कोई आपको सिस्टेमिक इलनेस है, कोई डिसीज़ है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं जिसका एसोसिएटेड सिम्टम है हेयर फॉल, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ जैबरंडी हेल्प नहीं करेगी। इन सारी कंडीशन में आपको ज़रूरत होगी प्रॉपर कंसल्टेशन की, प्रॉपर डायग्नोसिस की, इन्वेस्टिगेशंस की, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉज हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें अंडरलाइन जो कॉज होता है उसका ठीक होना ज़रूरी है, उसके साथ आपका हेयर फॉल जो है वो ठीक होगा। और उसके साथ हम जैबरंडी ज़रूर एडवाइस करते हैं लोकली अप्लाई करने के लिए, ताकि इंटरनल मेडिकेशंस के साथ जब आप लोकली जैबरंडी को अप्लाई करें तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिले। सो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही है कि अगर नॉर्मल आपको हेयर फॉल है मौसम की वजह से या अचानक स्टार्ट हो गया है और उसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जैबरंडी से कवर हो सकता है, बट अगर कोई अंडरलाइन कॉज है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर उसको डायग्नोस करवाइए क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, मैं नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन पे पुट अप कर दूंगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज कि जैबरंडी को कैसे यूज करना है
और इसको हम डेली यूज कर सकते हैं या नहीं। मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि हम जैबरंडी रेगुलर लगा लें या नहीं, किस एज में हम इसको लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, कब तक इसको लगा सकते हैं, क्या हम इसे डेली लगा कर रख सकते हैं या नहीं। सो जैबरंडी मदर टिंचर, जैसे मैंने बताया, एक नेचुरल हर्ब से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप डेली लगा कर रख सकते हैं। हेयर वॉश के बाद आप तुरंत लगा सकते हैं। किसी भी एज के पर्सन इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैबरंडी को यूज़ करने का सिंपल सा मेथड है ये, आप मदर टिंचर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 450 आप किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर से ले आएँ, जैबरंडी 30 ml ले आएँ या 50 ml ले आइए। इसके बाद आपको 50 ml कोकोनट ऑयल लेना है, एक 100 ml की ग्लास की बॉटल लीजिए आप, उसमें आप 50 ml कोकोनट ऑयल डालिए, 50 ml आपका ये जैबरंडी मदर टिंचर डालिए, बहुत अच्छे से शेक कर लें क्योंकि ऑयल और जो मेडिसिन है वो आपस में मिक्स नहीं होगी, वो फ्लोट करेगी। सो जब भी आप लगाएं तो उसे बहुत अच्छे से शेक करके लगाएं। आप इसे मतलब डेली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको रोज़ तेल लगाना पसंद नहीं है बट हेयर फॉल हो रहा है तो आप हेयर वॉश से एक नाइट पहले इसको लगा लें, बहुत अच्छे से मसाज कर लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप हेड वॉश कर लें। और ऐसा नहीं करना चाहते, तेल बिल्कुल नहीं पसंद लगाना, तो आप जैबरंडी को हेड वॉश के 2 घंटा पहले लगाएं, अच्छे से मसाज करें और फिर हेड वॉश कर लें। ऑल्सो अगर आपको पर्टिकुलर बाल्डनेस हो रही है तो आप जैबरंडी मदर टिंचर एक छोटी सी ड्रॉपर बॉटल में अलग से भरकर रख लें, दिन में 1 से 2 बार आप उस पर्टिकुलर बाल्ड एरिया में 2-4 ड्रॉप टपका के और सर्कुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में अपनी फिंगर को रोटेट करें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बस इतना ही करना है जैबरंडी के साथ आपको, और जैबरंडी जो है वो अपना काम ज़रूर करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमको जैबरंडी मदर टिंचर से मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट रिगार्डिंग योर क्वेरीज, जितने भी आपके सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई और हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, जिससे आपको मेरे रेगुलर वीडियो अपलोड्स के और पोस्ट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक्स हैं या फिर आप किसी मेडिसिन का रिव्यू देखना चाहते हैं, किसी नेचुरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं या ईमेल्स के थ्रू बताएं, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।